Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are continuing the series of aliphatic nucleophilic substitution, and our today's topic is SNI reaction. So first of all, let us look at what SNI reaction stands for. So basically SNI reaction stands for substitution nucleophilic internal. तो यहाँ पर हमने internal क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो हमारा इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इंटरनली ही प्रेजेंट होगा, मतलब हमें बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं करना है इस रिएक्शन में, इंटरनली हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा. अब जो फर्स्ट पॉइंट आता है SNI रिएक्शंस के बारे में वो ये है कि जो हमारी SNI रिएक्शंस हैं उसमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा. जनरली ऐसा होगा. एक ऐसा केस भी होता है जिसमें इन्वर्जन होगा, वो हम स्टडी करेंगे आगे, लेकिन जनरली ऐसा होगा कि रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा. अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनलाइज, इसको हम बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस. हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास कोई भी एल्कोहल है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई विद SOCl2. ये है हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड. इससे हमारे पास एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, और जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो होंगे HCl प्लस SO2 गैस. अब यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि ये जो हमारे डार्जेंस प्रोसेस है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल है, ये बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सीलेंट प्रोसेस. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये गैसेस हैं, और गैसेस इजीली रिमूव हो जाती हैं, हमें पता है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगी, और जो हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए एल्काइल हैलाइड वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, और इसकी जो यील्ड मिलेगी हमें वो भी बहुत हाई होगी. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो हमारा डार्जेंस प्रोसेस है या फिर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल है, ये बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्कोहल, इसकी हमने रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ. ये इसके बाय प्रोडक्ट्स. अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे. तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा एल्कोहल है. अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाएगा. यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सल्फर इससे अटैच हुआ, ठीक है, ये हो गया. अब ये जो क्लोरीन रिमूव हुआ था ये हाइड्रोजन को लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये क्लोरीन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को वापस डोनेट कर देगा. तो ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ से HCl रिमूव हो गया. ये हमारा फर्स्ट बाय प्रोडक्ट आ गया. अब ये जो हमारे पास ये है हमारा इंटरमीडिएट, और इसको हम बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसल्फाइड. तो ये हमें याद रखना है कि जो हमारी SNI रिएक्शंस होती है उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है एल्काइल क्लोरोसल्फाइड. अब इसके बाद क्या होगा, आयन पेयर की फॉर्मेशन होगी. यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये सल्फर और ये क्लोरीन. अब यहाँ से क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इसके पास अटैच हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा.
और ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ये हमारा सेकंड बाय प्रोडक्ट आ गया। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और जो हमारा रिएक्टेंट था, सॉरी सबस्ट्रेट था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम है, तो ये हमारा यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो क्लोरीन है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये इंटरनली प्रेजेंट था हमारे रिएक्शन में, हमने बाहर से क्लोरीन ऐड नहीं किया, ये इंटरनली एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया इसने, और ये कार्बन पे आके अटैच हो गया, इसलिए हमने इसको इंटरनल बोला है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, क्योंकि ये जो हमारा क्लोरीन था ये रिएक्शन के अंदर ही प्रेजेंट था और यहाँ से आके ये अटैच हुआ था। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये गैसेज हैं और ये इजिली रिमूव हो जाएंगी और हमें हमारा प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं। इसका जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जनरली ऐसा होगा। एक दो केसेस में हो सकता है कि हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हो, लेकिन मोस्टली रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ये इसका मैकेनिज्म था, यहाँ पर रेट लिखेंगे तो वो हमारी डिपेंड करेगी ऑन दिस एल्कोहल एंड SOCl2। तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर। अब एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि जो हमारी SNI रिएक्शन होती है उसको हम फोर सेंटर टाइप रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर जो हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ इसको हम फोर सेंटर टाइप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमारी है ROH, हमने मान लिया एल्कोहल, इसकी हमने रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ, ये हमारा क्लोरीन रिमूव हुआ, हम यहाँ से HCl रिमूव कर देते हैं डायरेक्ट, हमने HCl रिमूव कर दिया तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये दोनों ज्वाइन मिलेंगे हमें, तो ये हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स R को देगा और ये अटैच होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा एक, और ये जो हमारा क्लोरीन है ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये चार सेंटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फर्स्ट सेंटर ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड सल्फर, फोर्थ क्लोरीन, तो ये चार सेंटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोर सेंटर टाइप रिएक्शन या फिर फोर सेंटर टाइप इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि ये जो SNI रिएक्शन होती है इसको हम फोर सेंटर टाइप रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बोला कि यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है हमारे पास कि जब हम बेस यूज करेंगे इस रिएक्शन में, अगर हम बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो अब हम देखते हैं कि जब हम बेस यूज करेंगे इस रिएक्शन में तब क्या होगा। तो इसका एग्जांपल लिया हमने, ऑल लिया, इसकी रिएक्शन हमने SOCl2 के साथ कराई, और यहाँ पर ले लिया हमने पाइरिडीन, पाइरिडीन बेस है, ठीक है, यहाँ पर हमने बेस ले लिया। तब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर SO2 गैस रिलीज होगी और HCl गैस रिलीज होगी, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है,
यहाँ पर जो हमारा OH अटैच था वो फ्रंट साइड पे अटैच था, यहाँ पर बैक साइड पे अटैच था। तो अब ये कैसे हुआ, अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ऐसा क्या हुआ मैकेनिज्म में वो देखेंगे हम, जिससे कि ये हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये इससे अटैच होगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हमारा पाइरिडीन के साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पाइरिडीन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दिए। ठीक है, ये फॉर्म हुआ हमारा पाइरिडीनियम आयन। अब यहाँ पर हमारे पास ये सी एल नेगेटिव है, ये सी एल नेगेटिव इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ये हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर पाइरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाइरिडीनियम क्लोराइड हमारे पास सोर्स हो गया फॉर क्लोराइड आयन्स, तो ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स फॉर क्लोराइड आयन्स। वो हमारा रिएक्शन जहां पर भी हो रही है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा फॉर क्लोराइड आयन्स। मान लो ये हमारा वेसल है, इसमें हमारे क्लोराइड आयन्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा फॉर क्लोराइड आयन्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा क्लोराइड आयन है वो एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ से तो हम इंटरनली इसको ले रहे थे लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहा है हमारा क्लोराइड आयन। तो ये क्या होगा, अब यहाँ से बाहर से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा क्लोराइड आयन। अब इस क्लोराइड आयन के पास दो वेज हैं कि ये इस कार्बन पे अटैक करे, एक तो ये यहाँ से अटैक कर सकता है और एक यहाँ से अटैक कर सकता है। अब जब ये पाथ टू, इसको हमने पाथ वन मान लिया, पाथ टू से जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ से, तो ये पाथ वन से जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये इजीली यहाँ से अटैक कर देगा और बैक साइड पे अटैच हो जाएगा और यहाँ से हमारा SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। एक और पॉइंट आता है इसके बाद हमारे पास कि हमारी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं इन केस ऑफ SNI रिएक्शंस। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन केस ऑफ SNI रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। उससे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या शो होगा हमें, इन्वर्जन। ठीक है, अब देखेंगे हम कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इन केस ऑफ SNI रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कैसे है, हमने पढ़ा था जब हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था कि वहां पे हमारा आयन पेयर फॉर्म हो रहा था, तो वहां पर कार्बोकैटायन भी फॉर्म हो रहा था, ये हमने मान लिया। ये हमारा अल्कोहल है, ये SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब ये जो हमारा कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके साथ हमारा फॉर्म होगा यहाँ पर एनायन। ठीक है, तो ये हमारा आयन पेयर फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस आते हैं रीअरेंजमेंट के। यहाँ पर ये कार्बोकैटायन 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करके
3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हैं, ये वाला, और ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा रीअरेंजमेंट। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक तो वो प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पर Cl नेगेटिव अटैच होगा, एक वो प्रोडक्ट जब यहाँ पर हमारा Cl नेगेटिव अटैच होगा। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो होगा ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट, और इससे जो प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा ये हो गया हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट आर एस एन आई रिएक्शन। फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा वो इंटरनली प्रेजेंट होगा, ये रहा, ये आके अटैक करेगा। फिर सेकंड पॉइंट, डिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा हमें जनरली, इसको हम डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। फोर सेंटर टाइप रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें फोर सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ये ऑक्सीजन होगा, ये सल्फर के साथ बॉन्ड भी बनाएगा और यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये हो गया क्लोरीन, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसके साथ फॉर्म होगा। तो ये चार सेंटर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। ये जब हमारा एल्काइल क्लोराइड क्लोरोसल्फाइड इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो वहाँ पर ये चार सेंटर्स इन्वॉल्व होंगे, इसलिए हमने इसको फोर सेंटर टाइप रिएक्शन में बोलते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रेजेंस ऑफ बेस इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या आया कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इन केस ऑफ एस एन आई रिएक्शन, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो जो हमारा लीस्ट, यहाँ पर तो लीस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल भी नहीं, लीस्ट स्टेबल है हमारा 1 डिग्री। तो अगर इसके पास चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है तो वो रीअरेंजमेंट ऑब्वियसली करेगा, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर एस एन आई रिएक्शन। अब हम यहाँ पर ये देखें अगर कि एस एन टू रिएक्शन से कैसे सिमिलर है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो एस एन आई और एस एन टू दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सिमिलैरिटी का, कि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एज रीअरेंज एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे टू हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कैसे है कि जब हम रेट लिखते हैं फॉर न्यूक्लियो फॉर एस एन टू रिएक्शन तो वहाँ पर आता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड भी करता है और जो हमारा एल्कोहल है या फिर जो भी हम ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो एस एन आई रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो एसओ सी एल टू के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों में, इसलिए ये एस एन टू रिएक्शन हम नहीं बोल सकते कि ये एस एन टू रिएक्शन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर एस एन आई रिएक्शन। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।